फेडरलिज्म, फेडरलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, फेडरल जिसका मतलब होता है संघ और इज्म जिसका अर्थ है विचारधारणा। अब सवाल आता है कि संघ क्या होता है, तो संघ दो या दो से अधिक इलाकों का ऐसा समूह होता है जो कि लोकतांत्रिक होता है और इस संघ के विचार पर जोर देने वाली विचारधारणा को फेडरलिज्म कहते हैं। सबसे पहले टॉपिक में आपको दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है और अगर कोई दूसरा लेवल होता भी है तो वह पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में रहता है, पर फेडरल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फेडरल सिस्टम में सरकार के दो या दो से अधिक लेवल होते हैं। यूनाइटेड सिस्टम में केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, पर फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार राज्य सरकार को ज्यादा कुछ करने के लिए आदेश नहीं दे सकती। यूनाइटेड सिस्टम में केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है और वही राज्य सरकार को शक्तियाँ प्रदान करती है और उसे छीन भी सकती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं जिसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। अब हम जानेंगे फेडरलिज्म की क्या विशेषता है, द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नंबर वन, सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। नंबर टू, सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक समूह को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कानून बनाने और कर वसूलने का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे यूपी में रहने वाले एक व्यक्ति को यूपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं जिसमें वो कानून बना सकते हैं। नंबर थ्री, यदि सरकार के स्तरों के बीच अधिकार को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय फेडरल सिस्टम में मौजूद होता है। नंबर फोर, संविधान में कोई भी संशोधन करने के लिए दोनों स्तरों की सहमति होना जरूरी है, कोई अकेला स्तर संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। नंबर फाइव, प्रत्येक स्तर के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि देश की एकता बनी रहे और किसी भी समूह को ये महसूस ना हो कि वह कम्युनिटी से अलग है, यानी कि क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखकर कानून बनाया जाए। अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे देश मिलेंगे जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और बेल्जियम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का फेडरल सिस्टम इंडिया और बेल्जियम के फेडरल सिस्टम से अलग है, पर ऐसा क्यों है? दरअसल फेडरल सिस्टम दो तरह से गठित किया जा सकता है। पहला है कमिंग टुगेदर। इस प्रकार के फेडरल सिस्टम में दो या दो से अधिक देश साथ में आकर एक यूनिट बन जाते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती हैं, पर राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार से ज्यादा शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। इसमें एक देश अपनी क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखकर अपने आप को बहुत सी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर लेता है। इसमें केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की अपेक्षा ज्यादा शक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार का फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया और बेल्जियम में है। यह तो आपको पता चल गया कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, पर संविधान में किस प्रकार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, मतलब ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है और राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है, तो हमारे संविधान में ऐसी तीन सूचियाँ हैं जो केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा करती हैं। पहला है संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे कि देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। इन सारे विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। नंबर टू, राज्य सूची। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। इस सूची में जितने विषय आते हैं उन सब के ऊपर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और जो तीसरे नंबर की सूची आती है वो है समवर्ती सूची। ये सूची पहली और दूसरी सूची से काफी भिन्न है, क्योंकि इसमें दोनों स्तर की गवर्नमेंट्स कानून बना सकती है। इस सूची में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे विषय शामिल होते हैं। और अगर कभी केंद्र और राज्य सरकार के कानून इन विषय को लेकर अलग अलग होते हैं तो केंद्र सरकार का कानून माना जाता है। अब हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार फेडरलिज्म को लोगों ने प्रैक्टिस किया, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे यह साबित होता है कि भारत में फेडरल सिस्टम मौजूद है। तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना। 1947 से लेकर 2017 तक भारत में कई पुराने राज्य गायब हो गए और कई नए राज्य बनाए गए। राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नाम बदल दिए गए। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और इन राज्यों को भाषाई राज कहा जाता है। लैंग्वेज पॉलिसी। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर हर जगह अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और यही नहीं, हिंदी के अलावा 21 भाषा ऐसी हैं जिनको भारत में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। और ये तो आप जानते हैं कि हर राज्य की अपनी राजभाषा होती है, तो सरकार ने सबको सरकारी काम के लिए अपनी राजभाषा में कार्य करने की अनुमति दे दी है। सेंटर स्टेट रिलेशन। 1990 के बाद ऐसी बहुत कम पार्टियां थी जिन्हें लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, जिस कारण प्रमुख राजनीतिक पार्टी कई क्षेत्रीय पार्टियों का सहारा लेकर गठबंधन सरकार बनाती है और इससे सत्ता के बंटवारे और राज्य सरकार की शासन प्रणाली को सम्मान मिलता है। भारत में विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। और सत्ता के विकेंद्रीकरण से स्थानीय लोगों को भी सीधे सरकार के निर्णय में भाग लेने में सहायता मिलती है।
तो 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, जिससे तीसरे स्तर की सरकार को निम्न प्रकार के अधिकार दिए गए। नंबर 1, स्थानीय सरकार के लिए नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई। नंबर 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्वाचित संस्थानों में आरक्षित सीटें दी गई। नंबर 3, महिलाओं के लिए स्थानीय निर्वाचित संस्थानों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। नंबर 4, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। नंबर 5, राज्य सरकार स्थानीय सरकार को अपनी कुछ शक्तियाँ और वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी। तो इन सारे स्टेप्स के कारण स्थानीय सरकार को बहुत सी शक्तियाँ प्रोवाइड की गई। पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव या गांव के समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक परिषद है जिसमें कई वार्ड सदस्य होते हैं, जिन्हें अक्सर पंच कहा जाता है, और एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। वो सीधे गाँव या वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क आबादी द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। जब ग्राम पंचायत को एक साथ समूहित किया जाता है तो वे एक पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बनाते हैं। पंचायत समिति के प्रतिनिधि के सदस्य का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर सभी पंचायत समिति या मंडल मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। नगर पालिकाएं, जिस प्रकार ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है, उसी प्रकार हमारे पास शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका और नगर निगम को निर्वाचित निकायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें लोगों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है। नगर निगम में ऐसे अधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकार की यह नई व्यवस्था दुनिया में भारत के सिवाय और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ आपका चैप्टर कम्प्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। और आपको अगली वीडियो किस चैप्टर के बारे में चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए।